हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि मास्टर माइंड बॉस ऑफिशियल। दोस्तों, आज 2023 यानी कि 2023 में मैं आपके लेके आ गया हूँ यस डी की रोडस्टर। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, ये है सिन सिल्वर कलर में। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो गाड़ी है भाई, ये आपको दो वेरियंट और भाई कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाली है। यानी कि डार्क भी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे क्रोम के साथ भी आपको मिलने वाली है। तो ये क्रोम से जो बिलोंग करती है सिन सिल्वर जो कलर है। और इसका अगर मैं एक्सोरूम के प्राइस की बात करूं तो भाई 2,04,000 से लेके 2,12,000 तक इसका जो है एक्सोरूम प्राइस वेरी करती है। और इसका जो एक्सोरूम प्राइस है यानी कि सिन सिल्वर का, वो है 2,12,000 का इसका एक्सोरूम प्राइस। तो अभी हम आए हुए हैं यस डी जावा शोरूम में, राउरकेला में। एक्चुअली राउरकेला शोरूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जावा की बाइक मिल जाएगी, यस डी की भी बाइक आपको मिलने वाली है। तो इनका जो नंबर है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो यस डी की या फिर जावा की कोई भी बाइक लेने की। लेकिन आज हम बात करेंगे भाई इस बाइक के बारे में, यानी कि सिन सिल्वर रोस्टर के बारे में। और जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करती है, वो है इसका पावर फिगर। तो भाई पावर फिगर के बारे में जानेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी में देखिए भाई एसेसरीज का पार्ट बहुत सारा लगा हुआ है। तो इसका जो प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा कितना का इसका इंडिविजुअल प्राइस है, जैसे आप देख पाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसकी कॉम्पिटेटर की, तो इसके जो मेन कॉम्पिटेटर है मार्केट में, वो है मीटियर 350 यानी कि आर की बाइक है। तो आर की बाइक से भी हल्की फुल्की जो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वो तो अलग बात है। लेकिन भाई पूरी जानकारी जैसे मैं एक रिव्यू आपको देने वाला हूँ इस रोडस्टर के बारे में, सिल्वर कलर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसका जो पूरा प्रोफाइल के बारे में। राउंड शेप में आपको मिल जाती है हेडलाइट, और ये जो गार्ड आप देख रहे हैं ना, ये जाती है आज एसएसएस के पार्ट में। इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। फ्रंट हेडलाइट आपको मिलेगी एलईडी के साथ, टेललाइट आपको मिलेगी एलईडी के साथ। तो सब कुछ आपको यहाँ पे एलईडी आपको देखने को मिलेगी, सिवा इसके इंडिकेटर को छोड़ के, क्योंकि ये रखा गया है हेलोजन में, ठीक है ना। अगर मैं मीटर 350 की बात करूँ तो उसमें अभी भी आपको हेलोजन की हेडलाइट आपको दी जा रही है। और ये इसका भाई विंडशील्ड, ये भी जाती है आज एसएसएस के पार्ट में। क्रोम की यहाँ पे आपको मिल जाती है मिरर्स, ये आपको मिलेगी स्टॉक गाड़ी के साथ, ठीक है ना। इसको आपको खरीदना नहीं पड़ेगा अलग से, ये आपको मिलेगी गाड़ी के साथ ही। तो ये रहा इसका फ्रंट का प्रोफाइल। अगर मैं बात करूँ उसके टायर की, तो इसका टायर भी आपको एक बार दिखा दूँ भाई। काफ़ी ब्रॉड टायर को दी जा रही है यहाँ पे, 18 इंच की टायर यहाँ पर रखी गई है रोडस्टर में। 100, 90 और 18 इंच की यहाँ पे ओलो व्हील। और सबसे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, यहाँ पे एच डी का आपको ब्रांडिंग आपको मिल जाती है इसके टायर के। देखिए भाई ओलो के ऊपर यहाँ पे एच डी यहाँ पे लिखा गया है। फ्रंट में डिस्क मिलेगी, रियर में आपको डिस्क मिलने वाली है। और बाइबर के डिस्क आपको यहाँ पे ऑफर करती है कंपनी, यहाँ पे मेंशन भी की गई है भाई बाइबर करके, देख सकते हैं। और टेलीस्कोपी 4 के सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिल जाती है इस बाइक के साथ। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसकी वजह से थोड़ी बाइक जो है बल्की भी लगती है देखने से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई फ्रंट की बातें। एंड ये रहा इसका भाई फ्रंट मडगार्ड, और यहाँ पे एक स्ट्राइप आपको मिल जाती है ग्रे कलर में, ठीक है ना। तो भाई सिल्वर और एंड ग्रे कलर की स्ट्राइप्स आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। और अभी बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो अभी ये इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं भाई, सिल्वर कलर में काफ़ी मस्त लगती है गाड़ी। एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक लगती है भाई देखने से। और पैडिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है, देखिए साइड पैडिंग होगी यहाँ पे भी, जो है एच डी का ब्रांडिंग मिल जा रही है। टैंक के ऊपर यहाँ पे एच डी लिखा गया है 3D लोगो के साथ। ये रहा इसका इंजन का जो प्रोफाइल है, तो क्रोम की यहाँ पे भाई देखिए इसका जो है एग्जॉस्ट का पार्ट रखा गया है, ठीक है ना। तो इंजन के बाद जैसे कि मैं पहले कर रहा था कि भाई पावर फिगर में इसका कोई मुकाबला नहीं इस सेगमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो ये जो बाइक भाई 334 cc की आती है, और जो पावर निकालती है वो है 29 PS की एंड 28.9 Nm का इसका टॉर्क है। माइलेज की बात करूँ भाई 334 cc इंजन लगी हुई है, तो भाई आप 28-30 मान के चलो भाई जो एवरेज आपको देने वाली है बाइक, ज़्यादा तो नहीं देगी भाई, हैवी गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये इसका साइड प्रोफाइल, और जो इसका लेगर देख रहे ना, ये भी आज SS के पार्ट में जाती है। इसका प्राइस भी आपको लास्ट में ही बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसका साइड प्रोफाइल यहाँ पे जैसे देख पा रहे, इसका जो मिडिल का ऑल है यहाँ पे लिखा गया रोडस्टर। ये काफ़ी ज़्यादा जो मुझे लगी खूबसूरत देखने से भाई, देखिए यहाँ पे रोडस्टर जैसे लिखा गया है, ओके। और ये इसका भाई रियर सस्पेंशन आपको, रियर में आपको मिल जाती है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विथ गैस कैनिस्टर का सस्पेंशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये इसका रियर टायर, रियर में आपको थोड़ी सी चौड़ी टाइप को मिलने वाली, यानी कि 130, 80 और 17 इंच की आपको यहाँ पे ओलो देखने को मिलेगी। और ओलो जैसे कि देख पा रहे हैं पैटर्न काफ़ी मस्त लग रही है। और यहाँ पे भी आपको एसडी का एक ब्रांडिंग आपको नजर आने वाली है इसके एक ओलो के ऊपर, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये तो हो गया इसका साइड प्रोफाइल। क्रोम की यहाँ पे एग्जॉस्ट जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया। तो और एक चीज़ जो है भाई लोगों को इम्प्रेस करती है, पावर तो भी इम्प्रेस करती है, और एक चीज़ है भाई, और एक चीज़ है, वो क्या है, इसका डुअल एग्जॉस्ट। जी दोस्तों, डुअल एग्जॉस्ट आपको मिलने वाली है इस रोडस्टर में, जिसका साउंड भी आपको सुनाने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। तो भाई साइड प्रोफाइल की बातें हो चुकी है, अभी बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो भाई ये इसका टेल लाइट का सेक्शन जैसे देख पा रहे हो, राउंड शेप में क्रोम की यहाँ पे यूज की गई है इसके ऊपर, आप देख पा रहे, इसके ऊपर आप देख पाओगे। प्लस ये इसका इंडिकेटर राउंड शेप में रखी गई है, और एक ट्रेडिशनल टाइप का जो है लोगो बोलते हैं ना भाई साइन, वो है एच डी का यहाँ पे आपको मिल जा रही है देखिए। एंड ग्रे कलर की आपको यहाँ पे स्ट्राइप भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। तो काफ़ी जो एक प्रीमियम टाइप की लगती है पीछे से देखने से भी।
ठीक है। तो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल। अगर मैं आपको इसके लेफ्ट साइड में दिखाऊं, तो अगर इसके लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो ये रहा इसका साड़ी गार्ड, और ये रहा इसका लेडीज फुटरेस्ट, ये भी जाएगी आज एसेसरीज पार्ट में, ठीक है ना। और एग्जॉस्ट, डुअल एग्जॉस्ट जैसे देख पाओगे भाई, यहाँ पे एग्जॉस्ट है, वहाँ पे भी एग्जॉस्ट है, डुअल एग्जॉस्ट आपको मिला इस बाइक के साथ। सिक्स स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है गाड़ी, यानी कि छः गियर आपको मिलने वाली है, जो कि भाई गाड़ी डिमांड भी करती है, मिलनी भी चाहिए थी। देन यहाँ पे रोडस्टर लिखा गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उस तरफ में, तो यहाँ पे देखिए अभी काफ़ी मस्त लगती है कि नहीं देखने से। देखिए रोडस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, एसडी का ब्रांडिंग एंड रोडस्टर यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या अलग जो है लुक देती है गाड़ी को। बाकी अगर मैं सीट की बात करूँ तो ये भाई आगे इसकी सीट का प्रोफाइल 790 mm का इसका जो है सीट हाइट है, और देखिए भाई इसका जो चौड़ाई देख सकते हैं। अगर इसका पिलियन सीट में बात करूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको वाइड आपको कम मिलेगी, और ये इसका बैक रेस्ट लॉन्ग राइड में काफ़ी हेल्प करेगी भाई, ये जो चीज़ है पिलियन के लिए बता रहा हूँ। और ये रहा इसका फ्यूल टैंक, 12.5 लीटर का इसका जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाकी ग्रे कलर की स्ट्रिप से यहाँ पे देख पाओगे, एंड एसडी का, एंड एसडी का जो यहाँ पे एक स्टिकरिंग आपको मिल जाती है। ये रहा इसका फ्यूल लीड क्रोम के साथ रखा गया यहाँ पे भाई, एसडी का भाई, एसडी का देखोगे ना ब्रांडिंग हर एक जगह आपको मिल जाती है इस बाइक में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसडी लिखा गया है साइड में, जैसे मैं आपको दिखा दिया, देखिए यहाँ पे वाई एसडी का एसडी यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, हर एक जगह में जो है एसडी का ब्रांडिंग यहाँ पे भर दिया गया गाड़ी के ऊपर। अभी बात करते हैं इसके क्लस्टर की, कहाँ गया इसके की, ये रहा इसका की, तो इस टाइप की आपको की मिलने वाली है रोडस्टर में। यहाँ पे भी देखिए ब्रांडिंग, एसडी का ब्रांडिंग देखिए, दिख रहे तो। और साइड से जो है आप इसको ऑन कर सकते हो, एंड लॉक भी जो है आप इसको साइड से ही करना पड़ेगा आपको, सॉरी ये वाला है। अभी करते हैं इसको ऑन, इग्निशन ऑन अभी हो चुका है। ये रहा इसका क्लस्टर, फुल्ली आपको मिलेगी डिजिटल में, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ना, तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको मिल जा रही है, एंड टाइम यहाँ पे शो कर रही है, एवीएस का लाइट, न्यूट्रल का लाइट यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो ये रहा इसका, ठीक है ना, तो ये रहा इसका क्लस्टर का एरिया। बाकी अगर स्विचेस की बात करूँ, यहाँ पे देखिए इसका जो सेटिंग है स्विचेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंडिकेटर, हॉर्न, हॉर्न आपने सुना, यहाँ पे देखिए भाई एसडी का जो है ब्रांडिंग आपको यहाँ पे भी दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट रखा गया क्रोम के साथ, ठीक है ना। तो क्लस्टर की बात हो चुकी है, स्विचेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये रहा इसका इंजन किल स्विच, हजार्ड का स्विच ऑन कर दे, देखिए ऑन कर दिया हमने हजार्ड का स्विच, और ये रहा इसका सेल्फ का स्विच, ओके। तो अभी करते हैं इसको बंद। तो दोस्तों यही था एसडी की रोस्टर, और अभी बात करते हैं जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था पहले कि मीटर 350 से क्या इसमें अलग है। तो मीटर 350 में अगर देखोगे तो वो गाड़ी काफ़ी हैवी गाड़ी है, उसमें अगर देखोगे बड़ा सा टैंक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा टैंक लगता है मीटर 350 में, जबकि एसडी की रोस्टर जो रखी गई है वो स्लिक डिज़ाइन में रखी गई है, यानी कि देखिए अभी इसका टैंक का पार्ट देखिए, और इसका जो स्लिम ट्रिम आप देख सकते हैं बॉडी है, तो ये थोड़ी सी आपको स्लिक मिलेगी। अगर मैं कर्व वेट की बात करूं तो भाई ये जो गाड़ी है यानी कि रोस्टर जो है वो आपको मीटर 350 से थोड़ी सी कम मिलेगी, यानी कि ये जो गाड़ी है ये आपको मिलेगी 184 kg की इसका जो कर्व वेट है, और मीटर 350 का जो कर्व वेट वो है 191 kg का, तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी भाई एग्जॉस्ट का डिफरेंस है, ये जो देख रहे हैं ना भाई डुअल एग्जॉस्ट, ये काफ़ी मस्त लगती है गाड़ी में देखिए रोस्टर में, जो कि आपको मीटर 350 में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका भी साउंड अभी सुना दें, चलिए सुना देते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए एक एसडी का यहाँ पे लिखा गया था सीट के, सीट के पीछे देखिए यहाँ पे भी, तो सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो वही आप लोगों ने सुना इसका एग्जॉस्ट का साउंड, यानी कि डुअल एग्जॉस्ट का साउंड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो गाड़ी आपको मिलेगी लिक्विड कूल इंजन के साथ, ये रहा इसका रेडिएटर का पार्ट देख पा रहे हैं तो। और कंपेरिजन के हिसाब से जैसे कि भाई मीटर 350 थोड़ी सी हैवी है और ये थोड़ी सी स्लिक है, प्लस जैसे कि मैं आपको बताया था डुअल एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है, कर्व में आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, यानी कि हैंडलिंग आपको थोड़ी सी अच्छी मिलने वाली है। और इसे आपको बताना भूल गया, देखिए इसका जो सीट है ना इसके नीचे देखिए आपको यहाँ पे क्रोम की आपको असेंड आपको नजर आने वाली, देखिए क्रोम यहाँ पे दिया गया है, तो पूरी जो है प्रीमियम सेगमेंट की बाइक को जो है मैच करती है ये रोडस्टर। उसके अलावा अगर देखोगे तो भाई इसका जो हेडलाइट है आपको मिलेगी एलईडी के साथ, जो कि आपको मीटर 350 में नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है कुछ डिफरेंस है जो कि आपको ये दोनों बाइकों में देखने को मिलेगी। बाकी
यजदी रोस्टर का जो सीन सिल्वर कलर है, मैंने जो पूरा आपको बताया इसके बारे में क्या मिलने वाला है इस बाइक में, बाकी लोगों को भी डिपेंड करता है भाई, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। तो रॉयल का जो प्राइस है ऑनर जो प्राइस यजदी रोस्टर सीन सिल्वर कलर का वो है 2.48 लाख का विदाउट एसेसरीज। अभी मैं आपको बता दूं भाई एसेसरीज का प्राइस कितना क्या है, ठीक है ना, वरना बोलेंगे भाई बताया नहीं। तो इसका जो विंडशील्ड है जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका जो प्राइस है ये आपको आ जाएगी 3000 रुपये कंपनी से। और ये जो देख रहे हैं ना हेडलाइट प्रोटेक्टर गार्ड जो लगा हुआ है, इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी 400 रुपये, ये आपको आ जाएगी 750 रुपीज़ का, इसका लेडीज फुट रेस्ट, ठीक है ना, ये रहा। तो भाई ये रहा इसका लेग गार्ड, इसका जो प्राइस वो आपको आ जाएगी 1500 रुपये का। तो भाई जान चुके हैं सब कुछ यानी कि रोस्टर के बारे में, एसेसरी के बारे में, और भाई यही था आज का वीडियो इस बाइक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।